मंच के साथ साथ मैं सामने बैठे हुए लोगों का, जो हमारे बहुत मजबूती के साथ कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, इनका मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आशा करता हूं आज इस दौर के अंदर, इस देश के अंदर जब भी फिरका परस्त ताकतों ने अगर आंख या मुंह खोलने की कोशिश करी तो हमेशा आपने देखा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, एहसास कराने का काम किया कि इस देश में तुम्हें हम पनपने नहीं देंगे, फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। आज मैं स्वागत करता हूं महागठबंधन का। आज इस बात का एहसास पूरे देश के अंदर गया जब माननीय बहन जी ने और माननीय अखिलेश जी ने 12 जनवरी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो इस देश की सियासत में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी उनके लोग थे, उनके दिल में एकदम भौचाल सा आ गया। अरे अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देश से जाने का रास्ता अगर कहीं से मिलता है तो इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश से मिलता है और उत्तर प्रदेश में हमारी जमीन की शक्ति नजर आ रही है, क्योंकि इस देश के अंदर इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात करके और 5-6 दिन का वादा करके भ्रष्टाचार मिटाने का वादा करके और इस देश के अंदर महंगाई भगाने का वादा करके जिस तरीके से प्रचार किया था, जिस तरीके से जुमलेबाजी करी थी, इन्होंने ये खुलते ही जब ही जैसी जिस तरीके से इस देश के अंदर सरकार बनी और सरकार बनते ही उत्तराखंड का चुनाव था। हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा, अमित शाह जी से पूछा कि अमित शाह जी आपने आज 1.5 साल हो गई जो आपने वादा 15 लाख का किया था, जो आपने वादा 6 दिन का किया था, जो आपने वादा बेरोजगारी का किया था, जो आपने वादा किसानों से किया था, जो आपने वादा नौजवानों से किया था, जो आपने वादा सीमा पे जवानों से किया था, आज तक आपने कोई वादा नहीं निभाया, ये कहां की सरकार चल रही। सर झुका के बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर झुकाकर बोले ये चुनावी जुमला था। ऐ मेरे सर समाज के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत बस्ती पांच प्रजापति निषाद के गुजर जिस समाज के भाई यहां बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस देश की आने वाली सरकार और इस देश के अंदर राज करने वाली सरकार हम जनता से कहती हम जुमलेबाजों की सरकार है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का भी जनता की जवाबदारी है। अरे जुमलेबाजी तुम करते हो, जनता से जुमलेबाजी करते हो, इसका भी हम तुम्हें आपको आगे दिखा देंगे। अरे हम अर्श पर पहुंचा सकते हैं तो हम फर्श पर भी ला सकते हैं। ये जनता है, जवाब देना जानती है और जवाब लेना जानती है। आप कभी छुप नहीं पाओगे, आप कहीं झूठ बोल के निकल नहीं पाओगे। आप कहते हो अरे कौन सा फिरका परस्त ताकतों को तुम जिस तरीके से जगाने का काम कर रहे हो, आज छुपी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं 2014 का जब चुनाव हो रहा था, 2014 तो झूठ बोल के निकाल दिया, जब 2017 का चुनाव हो रहा था तब इन्होंने क्या कहा था कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवाद कहां के। अरे बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट वो हिंदू नहीं था, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट क्या हिंदू नहीं था और राष्ट्रीय लोक दल का कैंडिडेट क्या हिंदू नहीं था। अरे सबको तुम कह रहे थे ये हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू कह रहे थे। हम इसका विरोध करते हैं, हम ये कहते हैं ना हिंदू है ना मुसलमान, पहले बनो इंसान, इंसान बनने से पहले इंसानियत पैदा कर लो, वो सबसे बड़ी कहानी है और वो सबसे ज्यादा दिखाने की जरूरत है। पहले इंसान और इंसानियत बन जाओ, क्योंकि इंसान तो सभी लोग पैदा होते हैं लेकिन जिसके अंदर इंसानियत होती है वही इंसान कहलाया जाता है। तुमने देश को बांटने की जो ताकत है, तुमने जो देश को बांटने का काम किया है, इसको हम लोग सर समाज के लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ बांट सकते हैं। अरे हर भाई भाई अलग होता है, परिवार में बंटवारा होता है, लेकिन जब कोई किसी ताकत हमारे देश पे बाहर आती है हम सब लोग एक होते हैं, लेकिन तुमने सबको अलग कर दिया, तुम अपने आप को क्रेडिट लेना चाहते हो, हम क्रेडिट नहीं लेने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से सांसद जी कह रहे थे कि आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक हमारे मारे गए, लेकिन आज भी राष्ट्रवादी का
क्रेडिट लेना चाहते, ये कौन सी जुमलेबाजी है? अरे तुमने किसी तरीके से सच बोला हो तो बता। तुमने कहीं भी सरकार, और इतना ही नहीं इस देश के अंदर जब देखा, मैं तो आपसे ये कहता हूं कि 2017 में इस देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी हर इंसान के होते, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी, जितने भी धर्म और मजहब के लोग इस देश के अंदर रहे जाते हैं, क्योंकि इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि इस भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी हर धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। तुमने उनको बांटने का काम किया, क्यों? जब लोग नहीं बटे, जब देखा कि झूठे वादों से बात बनी नहीं, तो तुमने हिंदू और मुसलमान की बात कर दी। जब हिंदू और मुसलमान से बात नहीं बनी, तो तुमने शमशान और कब्रिस्तान की बात कर दी। कहां ले जाना चाहते हो आज हम लोग? मैं अपने आप के नेता को अपने दिल की गहराई से, उनका दिल की गहराई से वाकई कि हमारे नेता और अखिलेश जी ने जो दिल बड़ा किया, इस समय इस तरीके का जो माहौल चल रहा था देश के अंदर, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा, देश में जो सबसे ज्यादा सीटें हैं 80 सीटें होती हैं, और इसी देश से, इसी प्रदेश से जाता हुआ रास्ता देश के अंदर पीएम की सियासत को और पीएम बनाने का रास्ता खोलता है। इसलिए आज मैं अपने दोनों नेताओं के साथ साथ जो भी हमारे महागठबंधन में, चाहे अजीत सिंह जी हो, हमारे जयंत चौधरी, जो सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने इस देश से, उत्तर प्रदेश के जो यहाँ प्रदेश की जो सीमा है, प्रदेश से जो देश में जाने की रास्ता है, उसको आपने फिर का प्रस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो गठबंधन किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग भी देंगे। और मैं ये कहता हूँ, ये गठबंधन ये दलों का नहीं है, ये गठबंधन दिलों का है, ये दिलों की आवाज का गठबंधन है, ये दिलों की आवाज का गठबंधन है। इसलिए तुम भारतीय जनता पार्टी के लोगों, और भारतीय जनता पार्टी समझ लो आप, ये जब दिल की आवाज निकलती है तो सूदे ऊपर वाले इसके यहाँ कॉन्टेक्ट होती है। तो ये दिलों का संबंध है, ये दिलों का गठबंधन है, और जब दिलों का गठबंधन है तो दल अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए आज मैं ये फरमान माने बहन जी का, मैं तो केवल एक डाकिया हूं, मैं एक डाकिया हूं। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, मेरे दिल बोल रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक वादा और करा, कहने लगे भाइयों बहनों, बड़े अंदाज में कहते हैं, क्यों भाई कहते नहीं कहते, भाइयों बहनों मुझे देश का चौथा प्रधानमंत्री मत समझना, क्यों भाई ऐसी कहते नहीं कहते, देश का प्रधानमंत्री मत समझना, देश का चौकीदार क्या कहा था, क्यों भाई मैं गलत कह रहा, कैसे बताओ आप लोग, भाइयों बहनों देश का प्रधानमंत्री मत समझना, थोड़ा देश का चौकीदार समझना। बारे बार चौकीदार, क्या कहानी चौकीदार की है, खूब कहानी लिखी चौकीदार ने। जिस घर का चौकीदार भ्रष्टाचार होगा, उस घर का भला कैसे होगा, कैसे हम बता दें चौकीदार? जिस दिन से चौकीदार बने बैठे हैं इस देश के, सबसे पहले इस देश के अंदर कौन लोग जाते हैं, जो देश का सबसे बड़े पैसा लेके कौन लोग जाते हैं? अरे तुमने जो काले धन का वादा किया था लाने के लिए, जो तुमने वादा किया था कि विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, वही चौकीदार ने विदेश में भगाने का काम इस देश से किसी को किया? विजय माल्या, नीरज मोदी, ललित मोदी। आज इस देश से जितने बड़े और जे कहां के हैं, अरे भाई जरा आप लोग बताओ, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? अरे ललित, विजय माल्या गुजरात के हैं, ललित मोदी गुजरात के हैं, ये सब, और प्रधानमंत्री जी कहां के हैं, ये कहां गए लंदन? विजय माल्या गए लंदन, नीरव मोदी गए लंदन, ललित मोदी गए लंदन, और उसके पीछे जाते हैं देश के चौकीदार लंदन। तो ये बताओ चौकीदार है कि हिस्सेदार है, क्यों भाई बताओ जरा आप लोग? तो इसलिए ये हिस्सेदारों को जवाब देने के लिए, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने के लिए, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो वादा किया था, तो चौकीदार को याद भी कर लेना चाहिए
मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं, मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं, अगर जिस घर का चौकीदार वफादार होगा, जिस घर का चौकीदार वफादार होगा वो मरना तो पसंद कर सकता लेकिन घर में डाका डालना पसंद नहीं कर सकता है। इसका मतलब चौकीदार भी हिस्सेदार। इसलिए इन चौकीदारों को सबक सिखाने का समय आ गया है, और जब सबक सिखाने का समय आ गया है, ऐ मेरे सर समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, अपर कास्ट समाज के लोगों, और यहां तक पिछड़े समाज के लोगों आप लोग, और अकलियत समाज के लोग जो मुस्लिम समाज के लोग, एक तय कर लो, क्योंकि ये महागठबंधन जो है ये फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है। और इसलिए जब माननीय बहन जी ने और अखिलेश जी ने सभी नेताओं ने दिल से एक चाह लिया है कि इस फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो आपने देखा कि हम लोगों जो लोग कह रहे थे, जो गठबंधन को ऐलान कर रहे थे, ये गठबंधन नहीं है। जब गठबंधन हुआ था तो मालूम है ना, इस देश की लीडर बहन कुमारी मायावती जी को मास लीडर कहा जाता है, जन नेता कहा जाता है, मास लीडर और जन नेता कहा जाता। कैसे कहा जाता ये मैं नहीं कहता हूं, पत्रकार बंधु मेरे भाई कहते हैं। आपको याद हो जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर डंका फैला रही थी और ये कह रही थी हर हर मोदी घर घर मोदी, आपको याद हो 3 साल 4 साल इनके चुन प्रधानमंत्री होते हो गई थी, बहन जी ने क्या कहा, गठबंधन का एक नमूना पेश करा। मेरी बात गौर से समझना, मैं क्या कह रहा हूं, गठबंधन का एक नमूना पेश किया। इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी। योगी आज जो मैं डाकिया के रूम में आया हूं, नीचे कर लेना भाई, मैं एक डाकिया हूं, और डाकिया की ये जिम्मेदारी होती है कि जिसकी भी डाक है उसके समय से पहुंच जाए और उसके पास पहुंच जाए। क्यों भाई, होती नहीं होती। इसलिए आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, अरे भाई भाई ये बताओ, मैं भी समझ रहा हूँ आपकी बेसब्री, मैं समझ रहा हूँ जो आपके दिल में वही मेरे दिल में है भी है, लेकिन सब्र से और अच्छा लगेगा। तो ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने और आरएलडी ने ये हमेशा सोच को, भैया तखती को देना नहीं तो हम भी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो ये मीडिया के लोग तुरंत छाप देंगे। तो इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार माननीय बहन जी ने यहां से सदवीर नागर जो है इनको लोकसभा का प्रभारी माननीय बहन जी ने बना के दिया है। जोरदार ताली लगाकर स्वागत ऊपर सर का ताज है, और तुम सांसद बन के आओ, आप सबके साथ। अरे रुक जाओ भैया, आराम से। अरे आराम से, सांसद जी बुला यार। दीदी लो भाई, अरे भाई, सांसद जी प्रत्याशी,